भाई मजे ही मजे। क्या फील है यार, मोटरसाइकिल से बढ़िया थेरेपी कोई नहीं हो सकती यार, ये सच्चाई है। अरे कहाँ से आए? डिफेंस कॉलोनी से। बर्गर खा के देखना, मजा आ जाएगा। मेरी कशिश डाल ले इनको। अच्छा फिर क्या हुआ? साढ़े 11,000 रुपए दे दिए। हाँ। अभी तक नहीं दिए। तो फिर मतलब ऐसे आपके मामा क्या परेशान करते हैं आपको? मेरे पापा की डेथ हो गई है, तो उस वजह से पापा ने सब कुछ मेरे नाम पे कर रखा है ना, तो सो भैया फाइनली आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी ड्रीम से। मतलब आप सभी को इसी का इंतज़ार था कि कब हम अपनी भूसा निकालेंगे, कब हम चलाएंगे। तो फाइनली आज निकल गई है हमारी भूसा। और एंचो बाबू मज़ा आ रहा है इतना टाइम बाद राइड में जाते हुए? तो हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द चैनल, टू ऑल द वंडरफुल सोफिस्टिकेटेड एंड बॉम्बास्टिक पीपल हु इज वाचिंग मी राइट नाउ। मतलब व्हाट इज भैया, क्या कह रहे हो विख्यात भाई? और जितनी खुशी आपको हो रही है ना, उससे लाख गुना खुशी मेरे को हो रही है इस टाइम, बिकॉज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मोटरसाइकिल राइड करने को मिली है यार। मज़ेदार भाई, सब मज़ेदार, मज़ा आ गया भाई। क्या भाई मज़ा आ गया, क्या यार, यही तो मिस कर रहा था, यही तो मिस कर रहा था मैं। रेंचो तू भी यही मिस कर रहा था ना छोटे? मज़े ही मज़े भाई, मज़े ही मज़े। क्या फील है यार, मोटरसाइकिल से बढ़िया थेरेपी कोई नहीं हो सकती यार, ये सच्चाई है। बस वहाँ का एक काम और करा दें, हमारा जो राइड का प्लान बन रहा है वो सक्सेसफुली बन जाए, बढ़िया से राइड इम्प्लीमेंट हो जाए और वो राइड में मैं निकल जाऊँ। बस दिवाली के 2-4 दिन के अंदर ही मैं निकल जाऊँगा। बस महाकाल से बस वही है कि बाबा एक इतनी कृपा कर दी है, ये कृपा और कर देना। वहाँ से एक बार अशोक विहार से आर्मी वगैरह हो के फिर वापस पार्क कर देंगे अपनी ड्रीम को। बट आप लोग भी प्रे करना, अगर आप ये वाला ब्लॉग देख रहे हो, कि भाई टेंशन थोड़ी कम हो जाए और मैं राइड में बड़े प्यार से बड़े आराम से निकल जाऊँ। और बाकी तो यार इस मोटरसाइकिल को तो क्या ही कहना है, ये अपने आप में क्लास है, ये अपने आप में क्लास है। भाई साहब, भाई दूसरा गियर है, क्या करूं, इससे ऊपर तो गियर ही नहीं लग पाता यार। दिल्ली की सड़कों पे रोड ही खत्म हो जाती है। ये लो खत्म, क्या चलाओगे यार विख्यात भाई, क्या चलाओगे? इसलिए कहता हूँ विख्यात थोड़ा आदर्श छोड़ और लेके निकल संडे राइड पे जाया कर मेरे भाई, संडे राइड पे जाया कर। कितने बड़े बड़े वादे किए थे भाई तूने अपने आप से कि भाई भूसा आ जाएगी उसके बाद तो मैं फिर रोज मतलब हर संडे राइड पे जाऊंगा। एक संडे राइड करिए खाली, एक या दो, ताकि जब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, जब मैं राइड करता हूँ तो वही फील रिलैक्स मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, मेरी टेंशन दूर हो जाती है। मतलब मैंने जैसे आपको बताया थेरेपी होमी, दूसरा जिम ज्वाइन करना है, बहुत ओवरवेट हो गया है, पेट इतना दिखता है, बहुत गंदा लगता है खुद को, यू नो। मैं वो बंदा हूँ जो अगर अपनी तारीफ कर सकता हूँ तो अपनी बुराई भी खुल के कर सकता हूँ, जो चीज़ है वो है।
तो इतना लेजी होना कोई इतना लेजी होना कोई मतलब नहीं बनता। मैंने जिम छोड़ दिया, अच्छी खासी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सिक्स पैक एब्स वगैरह थे या मुझे बनाने हैं, पर हाँ कुछ अगर वेयर करें हम तो वो अच्छा लगना चाहिए, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो एक मेरे को ये दो चीज़ों को सही करना अपनी लाइफ के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा बात इस पर नहीं करते, बिकॉज ज़्यादा बात इस पर करूँगा ना तो हमारा व्लॉग मेरे ख्याल से मोटो व्लॉग पे ही ख़त्म हो जाएगा, कुछ आपके आमने सामने आने का मौका ही नहीं मिलेगा मेरे को। तो अभी की जो बातचीत है हमारे मोटो व्लॉग की, उसको यहीं पे करते हैं एंड आपसे मिलते हैं दोबारा आमने सामने हमारे मेन कैमरा से, मतलब हमारे S23 से, उससे आते हैं आमने सामने और फिर आगे की कार्रवाई बोले आगे का जो बातचीत है उसे कंटिन्यू करते हैं। मतलब सो दोबारा मिलते हैं आमने सामने, और आप कहोगे और आपने कहा भी होगा विख्यात भाई मज़ा दिला दिया लड़के। तो भैया आफ्टर मोटो व्लॉग अब है स्नैक टाइम, और ये हमने कहाँ से मंगवाया है भाई साहब बताओ? कैंट पेंट एंड प्यूरीफायर से। कहाँ से? कैंट से। अरे कहाँ से आए? डिफेंस कॉलोनी से। बर्गर खा के देखना मजा आ जाएगा। क्या हो गया? अरे तू और मैं हाथ खा रहे हैं। हाँ हाँ, और ये देख आधे अपनी अनबॉक्सिंग करने में लगी है। एक आधे का बर्गर, एक प्रियंका का, एक भावना का, एक तुम्हारा, एक मेरा। हम अभी आधा आधा ले रहे हैं। चार बर्गर हैं। हाँ छः, एक कमरे की हम आधा। एक आधा। हाँ भाभी प्रियंका। हाँ हम हवा बोलेंगे बस, हमने खाया हुआ है ना। हाँ इसीलिए शायद। नहीं नहीं पूरा लो तभी मजा आएगा। अरे मजा ही नहीं आएगा, खा के बताओ फिर। एक बाइट खाओ और फिर बताओ। अब मम्मी तो खाती नहीं हमारी, इसलिए इनके लिए कुछ भी मिलता ही नहीं मुझे। अब कल तक खोलेगी पकड़ से, क्या करने में लगी हुई है। बारे के सामने खुलवा दी तू भी। वाह नाइस, देखा एक बाइट खाओ फिर बताओ। आधे खा भाई बर्गर, स्पेशली डिफेंस कॉलोनी से आया है बर्गर, डफ कॉल से आजीवा डफ कॉल। थैंक यू बच्ची, आज मोटो ब्लॉग उसके बाद बढ़िया हमारा स्नैक टाइम, मंचिंग टाइम। इसके दोस्तों ने तो बोला होगा शायद, बता तुम। अरे यार ना तुम खा के देखा है? मम्मी प्लेट दे दो, भाभी ले गई। ये क्या चीज़ है? साफ करने के लिए नाइफ ले लो भाई साहब, नाइफ लो तुम। ओ भाई साहब ये हमने मंगवाया है, खा दे। कैसा है खा के बताओ एक बार बढ़िया से। ये बर्गर में खा लिया पूरा एक बार में, या कुल्फी खा गई थी याद आ गया मुझे। आधा तमीज से करना भाई साहब, तमीज से। हाँ दे दो। तो अब हम मैं भी बाइट लेता हूँ। एक नंबर मस्त ट्राई करना कैंट्स डिफेंस कॉलोनी। क्या हो गया तू इतना परेशान हो रहा है? अभी मुझे सिखा रहा था, क्या हो गया? किसने तेरे पैसे मार दिए? सुबह मैंने पेटीएम करा दिया भाई साहब को, इसको गंजू प्रसाद को, गंजूला मेरी कशिश डार्लिंग को। अच्छा भैया जी, फिर क्या हुआ? भैया पे दिए ना 11,500 रुपए दे दिए, 500 अभी तक नहीं दिए। भैया देखो गलत बात है यार गौरव, उसने एक बार में तेरे को पैसे दिए हैं। हाँ तो 500 रुपए देंगे भैया जी। नहीं देखो यार पैसे का मामला, कह रहे लड़के इन्होंने नहीं, क्या कह रहे लड़के वाली बात ठीक है, मगर पैसों में कोई वो रिश्तेदारी नहीं यार, गलत बात है। नहीं इनके पैसे पैसे, दूसरों के पैसे चूरन है ना। परेशान हो रहा है, गलत बात है। ये 500 नोट देंगे तभी तो 2-3 कैन पीऊंगा मैं, यही बात है। मतलब आज वीरवार है, मंगलवार तो नहीं है, मंगलवार को पीता ना खाता। हाँ
लेकिन बोल रहा है वीरवार है, वीरवार है भाई की बहन की शादी आ रही है भाई साहब, मजेदार साउथ इंडियन स्टाइल में शादी दिखाएंगे आपको। साउथ इंडियन स्टाइल में कैसे शादी होती है, करेंगे लुंगी पहन के आएंगे, भैया की वीडियो बनेगी वहाँ पे। मेरी मेरे को लुंगी पहना रहा है, पहना दियो इसी के ऊपर, पहना दियो है नी, लुंगी पहनेंगे भाई बहन की शादी में, लुंगी पहना के आएंगे। बिल्कुल डन हो गया, लेके आके दे दू पहले से ही, लेके आके दे दू, चेपी वाला है। अच्छा अगर टेंशन ही खत्म, टेंशन ही खत्म, लाइयो लाइयो पक्का पक्का पहनेंगे, पक्का डन हो गया। हाँ भाई लुंगी लुंगी डांस होएगा फिर वहाँ पे, डन है पक्का पक्का आपके लिए लुंगी सेट। तीन तारीख कब की शादी है बहन की, तीन तारीख की सगाई है, चार की शादी है, जितने भी सारे देख रहे हैं सारे भाइयों बहनों सब आ जाना, निमंत्रण है सबको। बिल्कुल ये देखो ये होता है भाईचारा, कुल के पार्टी है, कुल के पार्टी, कुल के पार्टी, कुल का खाना, कुल के दारू अनलिमिटेड, शादी में अनलिमिटेड दारू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, चल जाएगा। हां नहीं उस दिन कम पिएगा नवीन, मैं पीऊं भाई उस दिन। हां बहन की शादी में पिएगा, नहीं रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है ना, फिर मैं ही पी के सबको छेड़ने लग जाऊंगा, मामा फूफा सबको सबके डालने लग जाऊंगा हाथ पैर। तो जगह दिखा रहे हूँ भाई साहब, ये कुछ इस तरीके से पूरा सजा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है, बट है ना एक नंबर। इस टाइम गाड़ी में भी लाइट बड़ी बढ़िया पड़ रही है, फूड पिक बहुत प्यारी आती है इसमें, पता तुम्हें खाली रोड। तो भैया वेलकम टू द नाइट चल रहे हैं, और अभी हम हैं तारों की छाव में, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो निकले हैं राजचर्या के लिए। हेलो, और अभी जो बातचीत है वो सेम एज यूजुअल बंदे कर दिए, बॉब द बिल्डर, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ, यस करके दिखा दिया हमने, तो हो गया है नहीं। मगर ये जो जो परेशान कर रहे हैं इनकी वाट लगानी है, इस बार हर बार हम बोलते हैं मगर हमारा दिल पसीज जाता है। हेलो, हर बार पैसे देते हैं उनको, हेलो हेलो हो ही नहीं पाता, सुखा है खत्म नहीं। हेलो, तो अभी की बातचीत है, हमारे पीछे साथ बैठे हुए, क्या नाम है जी आपका? सतेंद्र सिंह। सतेंद्र जी बैठे हमारे साथ, सतेंद्र बाबू नए जवान हमारे, नए जवान हमारे, इनको एक पोस्ट दिखाने ले जा रहे हैं, उसके बाद इनको आज वहाँ और पर ड्यूटी नहीं कराएंगे, नियमित कराएंगे, फिर कल इनसे बात करके इनको सेटल करते हैं। एक नंबर है ना, एक नंबर। ये अभी हम एच ब्लॉक आए हैं, एक लड़की है अबेंडेंट है, पता नहीं कौन है क्या है, अरे इसके मामा से मारते हैं, कहाँ रहोगे? हेलो सर, कैसे हैं आप? बताए कहाँ से ले लिया? वहाँ से बुलाया था। तो बेटा ऐसे आप अकेले खड़े रहोगे तो अच्छा नहीं है ना, समझो मतलब ठीक है आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे अकेले कहीं भी रहोगे तो अच्छी बात नहीं है ना, या तो आप सेफ बैठो, आपको गार्ड रूम में बिठवा दो, बिठा दो इसको गार्ड रूम में बिठवा दो, आप अपनी फ्रेंड को बोल दो गार्ड रूम गेट नंबर। कब तक आएगी आपकी फ्रेंड? 11 बजे तक। कहाँ से आएगी? लेकिन बेटा ऐसे आप 11 बजे तक तो आप खुद सोचो आप। भैया सर 11 बजे तो गेट बंद करके वो भी तो इधर इसे अपने साथ कैरी थोड़ी करते रहेंगे साथ में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो फिर मतलब ऐसे आपके मामा क्या परेशान करते हैं आपको? मेरे पापा की डेथ हो गई है, तो उस वजह से पापा ने सब कुछ मेरे नाम पे कर रखा है ना, तो उस वजह से वो मतलब साइन करने के लिए वहीं पे रखते थे, बस टॉर्चर करते मारते रहते हैं। पुलिस भी देते थे सर? ये तो आपने पुलिस को नहीं बोला कभी? उनके जान पहचान बहुत है, मतलब वो कैसे बताऊं, इतना टॉर्चर करते हैं, फिर मतलब जब मैं अपने आप को खुद मारती हूं ना तो मेरी वीडियो बना लेते हैं और बोलते हैं कि हम तुझे पागल खाने भेज देंगे। इसमें तो सर कोई एनजीओ हेल्प लेनी पड़ेगी ना, इसमें तो एनजीओ हेल्प की जरूरत है। तो अभी आप कहाँ? यहाँ से कहाँ है बेटा आपका घर? यहाँ चले जाओगे? हम छोड़ेंगे चले, चल जाओगे यहाँ से? पक्का? हाँ।
मामा तो नहीं आएगा? नहीं नहीं गांव के अंदर जाएंगे। सही फोन ना। हाँ, तो ध्यान रखो ध्यान से जाओ, ध्यान रखना बेटा, और समझदारी से काम करो, ठीक है? ध्यान से जाओ, ओके? वीडियो बना ली पूरी? गर्ल को इंटरेस्ट प्लेस, हमने इसको छोड़ दिया सर, छोड़ दिया है। विकास भैया साथ हैं। भैया ये होनी चाहिए थी वीडियो, ये पूरी बनाई है हमने, कल ये ना हो ना इसे बना लो। भैया वापस आ गए घर पे, लौट की बुद्धू क्या होता है मम्मी? लौट की बुद्धू घर पे आए कैसे होती है पूरी? मुझे याद नहीं आ रही, याद ही नहीं आ रही। चलो जो भी है, तो वापस घर पे आ गए हैं, और अभी आज भावदा ने फाइनली कुत्ते नहीं घुमाए हैं पहली बार, और अभी इनको भी घुमाना है, रंगा और बिल्ला को, ये बैठे हुए पीछे रंगा और बिल्ला। तो वो बच्ची को उसके घर के पास छोड़ दिया था, सेफ एंड साउंड उसको उतार दिया, और बड़ी लंबी कहानी थी यार उसकी बच्चे की, जो भी उसके मामा वगैरह उसको बड़ा तंग वंग कर रहे हैं। अब जो बच्ची बोल रही थी, अब बाकी तो पता नहीं क्या है असलियत क्या नहीं। सो अभी का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, अब थक चुका हूँ, टाइम हो रहा है इस टाइम 1:10, और अब आपका भाई घर में घुसा है। तो दरअसल आम आने दिस व्लॉग राइट राइट नाउ विद यू लवली पीपल, विद यू बोमा सिक्योर, विद यू सक्सेसफुल पीपल वाचिंग ई राइट नाउ, और वही बोलूं जो हमेशा बोलता हूं, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, ऑलवेज बी अ गुड सिटिजन बी अ वेलिंग एंड फास्टन योर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग टू # रिस्पेक्ट लाइफ। और आशा करता हूं आज आपको हमारा मोटो ब्लॉग भी पसंद आया होगा, मतलब सदियों बाद जन्मों बाद आज मोटो ब्लॉग हुआ। और सही बताऊं वो जो भी मैंने आई थिंक 4-5-6 किलोमीटर की मोटरसाइकिल चलाई है, मज़ा आ गया यार, दिल से बोल रहा हूँ मज़ा आ गया। तो मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से व्लॉग में कल दोबारा, तब तक आप एक काम करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और आप कहोगे विख्यात भाई व्हाट इज भाई हूँ, पैरासिटामोल में तो हर दर्द दवाई हूँ, गीता पर हाथ है सच की गवाही हूँ, खुद के लोग आई हूँ, सर बाला था पहले बेस में खुद का जवाई हूँ।